सभी को नमस्ते। मैं हूं नीलम और मेरी किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गार्लिक नान, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाले। जब भी आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, तब आप ये नान खाते हैं। आज ये नान हम घर पर ही बनाने वाले हैं, वो भी बिना तंदूर की, सिंपल तवे पे बनाएंगे जिस पर हम अपनी रोटी बनाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये गार्लिक नान बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 कप मैदा लिया है। ये 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो मैदा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच नमक डाला है, और आधा चम्मच से थोड़ी कम ये मैंने अजवाइन डाल दी है, और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, और ये 1/4 चम्मच से भी कम है ये बेकिंग सोडा डाल देंगे। सारी चीजों को एक बार मिक्स कर देते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप दही। 5 कप हमने मैदा लिया है और 1 कप यहाँ दही डाल देंगे। इसमें हम 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे। गार्लिक नान बना रहे हैं तो इसलिए 10-15 कली लहसुन की ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ग्रेट करके डालेंगे तो एक एक रेसे का टेस्ट आटे में आएगा। थोड़ा ये ग्रेटेड गार्लिक हम आटे में मिला लेते हैं और थोड़ा बाद में ऊपर लगाएंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके और इसका हम आटा लगा लेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, कोई इसमें नया काम नहीं है। हल्का गुनगुना पानी ले ले और एकदम सारा पानी नहीं डालना, पहले थोड़ा पानी डाले और फिर जितनी जरूरत हो उतना पानी डालते जाए। और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, जिस तरह रोटी का डो लगाते हैं वैसे ही लगा लें। लास्ट में इस पर थोड़ा सा घी डालें और एक बार और मैश कर देंगे ताकि अच्छे से चिकना हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से हम आटा तैयार कर लेंगे। आटे को हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, आटे को ढके हुए आधा घंटा हो चुका है और आटा पहले से थोड़ा फूल गया है। हाथों को चिकना करेंगे और एक बार आटे को दोबारा से मैश कर लेंगे, अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा ये। इससे आटा हमारा और भी चिकना हो जाएगा। नान बनाने के लिए मैंने ये तवा रख दिया है। अब चलिए नान बनाना शुरू करते हैं। एक लोई बना लेंगे, जैसे रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, वैसे ही रोटी से थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई बनाई है। और इसको हम सूखे आटे में लपेट लेंगे और जैसे रोटी बनाते हैं सेम आपने वैसा ही काम करना है। थोड़ा बढ़ाएंगे और जब ये मीडियम साइज का हो जाएगा तो एक बार और सूखे आटे में इसे लपेट देंगे, थोड़ा पलथन और लगा लेंगे, इससे आसानी से बढ़ जाएगा। आप इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं और ओवल शेप में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ ओवल शेप देने वाली हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट वाली फील भी तो आनी चाहिए ना, तभी तो और ज्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये देखिए, इसको मैंने ओवल शेप का बना लिया है। आप किनारे वगैरह आगे पीछे हो जाए तो सारे सेट कर लेना। अब इस पे हम ये हमने गार्लिक ग्रेट करके रखा है ये लगा देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया भी लगा लेते हैं। अगर आपको ये चीजें पसंद ना हो, आप प्लेन बनाना चाहते हो, तो इनको अवॉइड कर दीजिए। धनिया लगाने के बाद एक बार फिर से इस पर बेलन लगा देंगे, एक बार इसके ऊपर से बेलन घुमा देंगे ताकि ये सारी चीजें अच्छे से चिपक जाएं। अब इसको हम दूसरी साइड पलटेंगे और दूसरी साइड हमने ये पानी लगाना है। पानी अच्छे से लगाएं, अगर पानी कम लगाएंगे तो ये तवे पे नहीं चिपकेगा, फिर उतर जाएगा। पानी अच्छे से लगाएं ताकि तवे पे चिपका रहे। और ये देखिए, पानी लगा दिया है। अब इसको तवे पे रखेंगे और पानी वाली साइड को हम नीचे कर देंगे, तवे पे चिपका देंगे। थोड़ी देर इसको एक साइड से पकने देंगे। ये देखिए, थोड़ी देर में इसमें ये बबल जैसे उठने लगते हैं। 1-2 मिनट पकने देंगे और ये देखिए, इसमें ये बबल से आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा इसका डार्क कलर हो गया है। तो अब हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे, तवे को उल्टा कर देंगे, उतारेंगे नहीं, चिपका रहेगा ये तवे पे। और इस तरह तवे को घुमा के सेकेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखना है चूल्हे से। और ये देखिए, इस तरह से आपने नान को सेक लेना है। और ये देखिए,
एकदम मस्त नान बनके हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। ये हमने सेक लिया है, ऊपर से हम इस पे बटर लगा देते हैं। इस तरह चाकू सही से उतार लेंगे, और मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा पक के तैयार हुआ है, दिख रहा ना कितना प्यारा नान। इसी तरह ये मैंने दूसरा नान भी बना लिया है। अगर आपका नान तवे से उतर जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, उतार के सेक लीजिए, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आप अपना उतार के सेक लीजिए, नॉन स्टिक तवे पे चिपकेगा नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए दूसरा नान भी तैयार है, एकदम मस्त नान बनके हमारे तैयार हुए हैं। है ना नान बनाना कितना इजी। अब जब भी आपका नान खाने का मन करे तो ये गर्मा गर्म नान बनाइए, खाइए और खुश रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में जो बेल वाला बटन है, आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।